who preach and practice terrorism for political gains. यूएस कांग्रेस में मोदी के भाषण की क्या मायने, बात इस पर हो रही है। दो दर्शकों के बाद मैं मेहमानों का रुख करूंगा। दिनेश जी सीकर से हैं, अनुराग जी बीकानेर से हमारे साथ जुड़े। नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार। बताएं सर, मैं जो जी मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ नंदा जी से, कि क्या जो मोदी जी की जो 66 बार वो तालियां बजवा रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन ले रहे हैं, इन सबके बाद में क्या जमीन स्तर पे क्या कोई परिवर्तन होता नजर आता है? कहीं लगता है कि आर्थिक स्तर पे, कहीं आतंकवाद के स्तर पर मोदी के जो विदेशी दौरे हैं कोई असर डालेंगे? दिनेश जी की राय सुनने के बाद अनुराग जी आपका सवाल लेकर मैं आऊंगा नंदा साहब के पास। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार फारिक साहब। बताए फारिक साहब, मोदी साहब यूएस कांग्रेस में बोल रहे थे, हम भाषण सुन रहे थे कल, हमारे बीजेपी के भी कुछ मित्र थे, वो कह रहे थे कि ये यूएस कांग्रेस में बोलते बोलते जैसे इनकी आदत है कहीं कांग्रेस की बुराई ना करने लग जाए। खैर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तालियां खूब बजी। अमेरिका वो देश है जिसने हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को अब तक 1947 के बाद जिंदा रख रखा है, जो हमारे पर आतंकवाद थोप रहा है। रही चीन का डर दिखाकर अमेरिका अपने हथियार बेचना चाहता है, और आर्थिक तौर पे मैं बताऊं आपको, सिर्फ अमेरिकन कंपनियां ही वो कंपनियां जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाती है। मोनसेंटो नाम की एक कंपनी है अमेरिका की, जिसके पास दुनिया का 30% खाद्यान्न है उसके भंडार में इकट्ठा रहता है। उसने बीटी कपास का अपने को बीज दिया था भारत को, उसने दूसरी कैटेगरी के बाद वो उनका कपास का बीज फेल हो गया, तीसरी कैटेगरी का उन्होंने बोलगोर 3rd के नाम से दिया, भारत सरकार उस पर प्रतिबंध लगा रही थी, समाचार पत्रों में बहुत ये छपा, उसके बावजूद भारत सरकार की हिम्मत नहीं, अमेरिकन कंपनी भी उस दौरे से जस्ट पहले। चलिए आपने प्रस्तावना रख दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग जी का सवाल और दिनेश जी का सवाल एक सा ही है, क्या चाइना की से पाकिस्तान की नजदीकियां आज अमेरिका को मजबूर कर रही है कि वो हिंदुस्तान के करीब आए, इस संबंध की कीमत क्या है? नंदा साहब, जो सवाल अनुराग जी ने उठाया था कि जमीन पर पाकिस्तान के साथ हमारी रणनीति के बाबत क्या नजर आएगा, बस मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं। पहली बात हमें याद रखनी चाहिए कि भारत का जो विभाजन हुआ वो केवल हिंदू मुसलमान दंगों की वजह से नहीं हुआ, वो एक तथ्य था, लेकिन यदि आप अंतर्राष्ट्रीय साहित्य को पढ़ें तो द्वितीय विश्व युद्ध में हालांकि रूस और अमरीका और ब्रिटेन एक तरफ थे, रूस में कम्युनिज्म के आ जाने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन चिंतित थे कि ये फैले ना, तो इसलिए वो भारत को एक लॉन्चिंग पैड के रूप में चाहते थे इस्तेमाल करें कम्युनिज्म के खिलाफ, वो पंडित नेहरू वगैरह ने साफ मना कर दिया। जिन्ना इसके लिए अग्रीएबल थे, और पाकिस्तान की क्रिएशन में ब्रिटेन और अमेरिका के अपने सामरिक हित भी थे, तो पाकिस्तान वजूद में आया ताकि अमेरिका और ब्रिटेन के हितों को साथ आ जाए। अभी और स्वतंत्रता के पश्चात पाकिस्तान के टेरिटोरियल, अब सवाल आता है कि क्या अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा? अमेरिका और ब्रिटेन जिन्होंने पाकिस्तान को नक्शे पे लाने में मदद करी, और इतने सालों तक आतंकवाद के बावजूद अमेरिका और ब्रिटेन एक तरह से आंख मूंदे रहे शाब्दिक क्रिटिसिज्म के अलावा। अब रेलेवेंट बात यह नहीं कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हो आतंकवाद की लड़े, अगर पाकिस्तान तन्हा हो जाता है, अमेरिका से जो उसको स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिलती रही है इंटरनेशनली, और अमेरिका अब तक भारत अमेरिका के स्वार्थ को क्या समझना जरूरी नहीं है यहाँ पर कि चाइना से नजदीकियां हैं, ग्वादर वाला जिक्र आप कर चुके हैं पहले ही। अमेरिका को स्वार्थी मानकर ही हमें उसके साथ डील करना चाहिए, और अब सिचुएशन ये आ गई कि अमेरिका का स्वार्थ इसमें है कि वो पाकिस्तान से पल्ला झुड़ाए, क्योंकि पाकिस्तान तो अब चीन की के साथ इस कदर हो चुका है कि चीन का लॉन्चिंग। शंकर जी, क्या मान लिया जाए कि पाकिस्तान को दबाने में कामयाब रहेंगे, पाकिस्तान को में जो आतंकवाद पनप रहा है उसको नेस्तनाबूद करने में कामयाब रहेंगे अमेरिका साथ आया तो? देखिए अमेरिका साथ आता है, आज अमेरिका जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं चारों तरफ से, अमेरिका भी अपने आप में दबाव में है और भारत का भी अपना प्रभाव है, और उसके कारण से निश्चित रूप से आने वाले समय में जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी भारत की जो लड़ाई चल रही है उसमें विश्व मंच पे हम 2 कदम 3 कदम चाहे कितना भी मान लें उसमें आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कह सकते कल ही कोई और हमला हो जाए तो साहब आप इतनी बड़ी बात कर रहे थे कल ही आतंकवादी हमला हो गया, ये तो चलता रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर के हम उस लड़ाई में 2 कदम आगे बढ़े हैं, इससे इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि जो ये अपने MTC
की और जो ये जो एनएसजी की मेंबरशिप की बात थी, एमटीसी वाली जो बात है उसके अंदर 34 देशों ने सोमवार तक ऑब्जेक्शन देना था, नहीं दिया तो हमारी मेंबरशिप हो जाएगी उसमें, हम एंटर कर जाएंगे उसमें। एंटर करने के बाद में अमेरिका हमसे ड्रोन जो विमान की डील कर सकता है, वो पहले नहीं कर सकता था, वो डील कर सकता है, वो भी हमें आतंकवाद में लड़ने में एक बड़ी मदद करेगा। तो इसलिए कई तरह के द्वार एक साथ खुलेंगे, ये परिस्थितियां बदलती रहेगी। काल परिस्थिति में 10 दिन बाद, आज अभी कहे साहब आपने एनएसजी की मेंबरशिप के लिए गए और इतने कितने समर्थन कर लिया अभी पता लग जाएगा, वो पता तो 11 तारीख को ही लगेगा। अभी आज ही अपन कहें उसके ऊपर चर्चा करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। बात सुनील जी बार बार में ये कह रहे हैं कि 8,000 करोड़ रुपए का आपने एग्रीमेंट किए, 55 साल का हिसाब देने को तैयार नहीं है, कितने सालों से एग्रीमेंट करके आए आप लोग, और 2 साल के अंदर हम केवल बीज बो रहे हैं, अभी उसका फल लगेगा, उसके बाद में पेड़ आएंगे, उसके बाद में उसकी बात करनी चाहिए, 2 साल के अंदर सारा हिसाब मांग रहे हैं। किस लिहाज से अलग मानूं मैं मोदी को? सुनील जी से सवाल है मेरा। देखिए बात एक है कि आप, मैं आपको कल एक बात लगातार कह रहा हूँ कि गाल बजाना एक अलग बात है, रही बात पाकिस्तान को प्रेशर में लेने की बात से अपन स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान तो प्रेशर में 26/11 के बाद ही आ गया था। मैं आपको याद दिलाना अफगानिस्तान का जिक्र करना चाहूंगा, मोदी जी ने अफगानिस्तान का जिक्र किया, टूर का जिक्र किया और फिर डिफेंस पर आए। एक बार बोलने दीजिए आपको, मैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश का एक स्पीच आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए एक बात बोली थी कि आपके पास 2 विकल्प है, इधर जाइए इधर आइए, और उधर जाने का मतलब है कि आपको वापस हम स्टोन एज की तरफ भेज देंगे। पाकिस्तान उसी दिन दबाव में आ गया था, पाकिस्तान उसी दिन पूरी दुनिया की वर्ल्ड कम्युनिटी से आइसोलेट हो गया था, इसलिए आप क्रेडिट मत लीजिए। मैं केवल इतना सा बात कहना चाहता हूं, सन 2011 की बात, मैंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश का 27 सितंबर 2011 एक का भाषण आपको बता रहा हूं मैं। उसके बाद कॉलिन पावेल आए, कॉर्डिला राइस आई, और उसके बाद जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा है। तो पाकिस्तान तो उसी दिन आइसोलेशन में चले गया था। अब आ जाइए इंडिया, चाइना और अमेरिका, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, और इसके बीच में यह भी जवाब देना चाहूंगा शंकर जी को कि जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कांग्रेस ने ली थी, उससे इसी कांग्रेस ने दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी पूरी दुनिया की। आज इंडिया की जो इकोनॉमी 2014 में छोड़ी गई थी तब 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, जो वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी थी। पीपी की मैं हिसाब दे रहा हूं जिम्मेदारी से हिसाब दे रहा हूं कि जिस दुनिया पाकिस्तान के साथ संबंधों पर बात कीजिए, तो हर प्रधानमंत्री ने बात की है, कर लेते हैं ना पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान तो 2001 के अंदर ही आइसोलेशन में आ गया था। किस चीज की क्रेडिट ले रहे हैं आप, किस चीज की क्रेडिट ले रहे हैं? अब आ जाइए चाइना की बात, मेरी बात सुनिए, आप चाइना की बात भी कर लेते हैं। तो बात एक है, सारी दुनिया को पता, पूरे दुनिया के प्रोजेक्शन बता रहे हैं, और परचेज प्राइस पेरिटी के अंदर चाइना जो है आज की तारीख के अंदर अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, बन चुका है। अब ऐसे में चाइना को रोकने के लिए काउंटर वेट चाहिए। मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं आपके टीवी के माध्यम से कि आप केवल अमेरिकन हेजिमोनी का हिस्सा बन के नहीं रह जाए। चलिए एनएम शर्मा जी, आपका रुख करता हूं, इसमें आर्थिक रणनीति कहीं नजर आती है भारत की तरफ से? ये जो फायदा किसका ज्यादा होगा आर्थिक पक्ष पर अगर आतंकवाद को साथ लेकर चले? अमेरिकन हेजिमोनी बन जाए या नहीं बन जाए, मैं कह रहा हूं ये आज ही नहीं बन रही है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत लंबे समय से कांग्रेस की सरकार रही है। क्या उस वक्त, क्या उस वक्त अमेरिका, क्या उस वक्त क्या ये हम कहना चाहेंगे उस वक्त अमेरिकन हेजिमोनी का हिस्सा रही है भारत की अर्थव्यवस्था? बात हो जाए, बात हो जाए, पूरी एक बार बात हो जाए शर्मा जी, रमन नंदा साहब यहाँ बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, अमेरिका को अगर हम बहुत उदारता पूर्वक समझना चाहें तो एक व्यावसायिक कंट्री है, बिजनेस कंट्री है, वो किसी भी दूसरे कंट्री आप को बाजार खोल रहे हैं। अमेरिका व्यापारिक देश है और हम व्यापारिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये करना चाह रहे हैं? देखिए क्योंकि आर्थिक विकास करने के लिए हमें व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। सुनिए, आप ब्रह्मोस जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसको अब हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए हैं कल की ट्रीटी के बाद में, तो हम भी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में उन वेपन्स का, जिसका हम न तो इंपोर्ट कर सकते थे न एक्सपोर्ट कर सकते थे, उनका प्रोडक्शन कर पाएंगे, उस टेक्नोलॉजी को ले पाएंगे। और यदि हमें व्यापार के क्षेत्र में हथियारों का भी व्यापार करना होगा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। उससे पहले आपकी बात जी, सारे सामरिक रिश्तों को हम भाजपा कांग्रेस और इस समीकरण से बाहर करके देखें तो ये मानना पड़ेगा कि मोदी साहब की जो सक्सेस है उसमें विगत की सरकारों की भी अपनी नींव है और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की भी बात है। अब रही बात कि पाकिस्तान आइसोलेट हुआ कि नहीं, जॉर्ज बुश के 2011 के भाषण के बाद भी, अरे 2001 के भाषण के बाद भी, उसके बाद अफगानिस्तान के जंग में तेजी आई, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रूप्स आए, और अभी साल पहले जाने की बात थी, और साल पहले तक अशरफ गनी के अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बनने, अफगानिस्तान का नेतृत्व संभालने से पहले तक
अमेरिका चीन और पाकिस्तान और ईरान के बीच बात करिए, भारत को काट दिया गया था अफगानिस्तान की बातचीत में से, और भारत उसके की रीजन बताया ना, क्योंकि बात पूरी कर जाए भारत का ही। अपना तर्क पूरा रख लूं, जहां तक भारत का सवाल है, भारत के लिए जो आतंकवाद आ रहा था बड़े फ्लूइड तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर इस्तेमाल हो रहा था, तो अफगानिस्तान के साथ अब सिचुएशन ये आ गई है कि अशरफ गानी भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ डील कर रहे थे, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार में शामिल करना है कि नहीं, ये भी बात चल रही थी। अब सिचुएशन ये आ गई है कि अशरफ गानी प्रधानमंत्री मोदी का हाथ पकड़ के वो चलते हुए स्क्रीन पर नजर आते हैं, गले मिलने की बात तो छोड़ो, ईरान भारत और अफगानिस्तान के बीच समझौता होता है और ईरान के रास्ते अफगानिस्तान का बाजार। चलिए चलिए ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं जवाब के साथ कि भारत का नजरिया, देश का नजरिया, आपका नजरिया क्या कहता है। अ क्लियर मैसेज टू दोज हु प्रीच एंड प्रैक्टिस टेररिज्म for political gains.